हुसैन और यजीद का फ़र्क तो बाकी रहे कि अगर अल्लाह आप पे बख्शे ये हमारे देहातों में ओ जी अल्लाह आप पे बख्शे से, ओ मियाँ साहेब अल्लाह आप पे बख्शे से, मतलब मैं कुछ नहीं करना अल्लाह आप पे बख्शे से। और यही हमारे पढ़े लिखों में भी आ गया, ओ जो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, मैं डराया ना करो। मैं कब डराता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें दिलाता हूँ, लेकिन मैं शिमर और हुसैन का फ़र्क भी रखना चाहता हूँ कि आले रसूल का खून इतना सस्ता नहीं है कि यूँ बह जाए और अल्लाह आप पे बशके से। उन्हें खून के नजराने देकर बच्चों को नेज़ों पे चढ़ा के एक तारीख लिखी है, एक सेहरा बांधा है, एक चमन आबाद किया है। मैं उसे अपने झूठ सूद शराब जिना हर चीज़ से गंदा करके कहूँ अल्लाह आप पे बशके से, तो ये भी तोहीन है मेरे रब के कानून की और मेरे नबी के हुसैन नवासे की कि वो अपनी नस्ल कटा दे और मैं को अल्लाह आपके बशके से। तो भाइयों गुजारिश है इसके लिए आप एक तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहना सीखो, कोई आपस में लड़े बोले हो तो सुलह करो, सुलह सफाई से रहो, अपने मामलात को प्यार मोहब्बत से तय करो। तो अल्लाह के बंदों से नरमी बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। तो हम अपने मिजाज की शिद्दत को निकालें, नरम हो नरम हो। मेरे नबी ने फरमाया अगर नरमी की कोई शक्ल होती तो कायनात की सबसे खूबसूरत शक्ल होती, और अगर शिद्दत की सख्ती की कोई शक्ल होती तो कायनात की सबसे बदसूरत शक्ल होती। नरमी को अपनो, अपने नौकरों के साथ नरम बोल बोलो, नरम रवैया रखो। के नौकर हैं घर के नौकर, अपनी बेगमों से कहो घर की बच्चियों से नरम रवैया रखें, मीठा बोल बोलें। हमारे जैसे इंसान अल्लाह यूं करके वहाँ हमें खड़ा कर देता, उन्हें इधर खड़ा कर देता, तो एक सेकंड एक सेकंड। तो अगर अल्लाह ने हमें नौकर दिए मुलाजिम दिए तो उनसे प्यार करो, उन्हें अपनी औलाद समझो, उनके दुख में शरीक हो, उनकी खुशी में शरीक हो, उन्हें अपना उनसे कोई ख़ता हो जाए अपने आप को वहाँ खड़ा करो। हाँ तुम्हारा काम सही नहीं करता फारिग कर देना कोई ऐब नहीं, डांट डपट और जलील करना ऐब है, जलील ना करो। अभी तुम्हारा काम आपको तसली नहीं, अच्छा भाई आप कहीं और काम कर लें, मेरे पास गुंजाइश नहीं, ये कोई शरण मना नहीं। लेकिन किसी को गालियाँ देना, माँ बाप की माँ बहन की गाली देना, जलील करना, मारना पीटना, ये मेरे अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाली चीज़ है। ऐसी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, हो जाए ख़त्म माफ़ कर दिया करें, अल्लाह हमें माफ़ फरमाएंगे, अल्लाह माफ़ी को पसंद फरमाता है। और वो तीन दिन की एक मुस्तकिल तरतीब बन जाए, हर महीने तीन दिन इंशाल्लाह हम जाया करेंगे, मैंने आपसे चार महीने नहीं मांगे, सिर्फ तीन दिन कह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु।